हेलो दोस्तों, मैं सोमेन। आप देख रहे हैं ट्रिक व्यू यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आप देखेंगे बेसिकली जो फ्लाइट का टिकट होता है वो आप घर बैठे बैठे इजीली कंप्यूटर से कैसे बुक कर सकते हैं। तो अगर आपने मैंने पिछले भी वीडियो नहीं देखा है तो इसके सामने लिंक दिया रहेगा और सब चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में बेसिकली जो तत्काल या फिर टिकट होता है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और टिकट बुकिंग मैंने प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आप फ्लाइट के टिकट कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी सबसे सस्ते प्राइस में। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हैं। स्क्रीन में आने के बाद ये आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं, मोबाइल से भी हो जाएगा। पर कम मैं इनको कंप्यूटर में दिखा देता हूँ। सिंपल आपको टाइप करना है कोई भी ब्राउजर ओपन करने के बाद makemytrip.com, makemytrip। ठीक है, तो सिंपल आपको फर्स्ट ऑप्शन में आना है कि www.makemytrip.com जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद देखिए सिंपली इस तरीके से पेज ओपन होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसमें एक अकाउंट बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जब टिकट बुक कर लेते हैं उसके बाद आप टिकट ढूंढने में, मैनेज करने में, कैंसिल करने में आसानी होगी। तो चलिए फटाफट से अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक आइकॉन है, मैं अपने अकाउंट में पहले से लॉगिन हूँ तो मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। सिंपली यहाँ पे साइन अप ऑप्शन आएगा या फिर माई अकाउंट में, हाँ साइन अप का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपको साइन अप करना है, या फिर साइन अप का ऑप्शन नहीं आता है तो सिंपली आपको क्रिएट अकाउंट, न्यू अकाउंट, न्यू यूज़र है तो उस ऑप्शन में जाकर आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर देंगे, साइन अप पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा कंटिन्यू विथ गूगल। तो अगर आपका गूगल से लॉग इन है वहाँ से कर सकते हैं। या फिर सिंपली आपको कुछ नहीं करना, एक वैलिड ईमेल आईडी देना है, एक मोबाइल नंबर देना है, एक पासवर्ड देना है। देने के बाद आप साइन अप कर लीजिएगा, आपका अकाउंट हो जाएगा। तो मैं अकाउंट बना लिया था पहले ही, तो मैं लॉग इन हो जाता हूँ। तो लॉग इन गूगल, मैंने अपने अकाउंट में लॉग इन, हाँ अपने अकाउंट में लॉग इन हो गया हूँ। तो यहाँ पे लॉग इन होने के बाद देखिए इसमें दिखाएगा कि वॉलेट, आपका वॉलेट में कितना बैलेंस है वगैरह। मेन टॉपिक में आते हैं तो सिंपली यहाँ पे देखिए फॉर्म टू और डेट। तो फॉर्म में आपको लिख क्लिक करना है कि आप कहाँ से ट्रैवल करना है। मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ हावड़ा से, तो हावड़ा पे कोई स्टेशन नहीं है तो कोलकाता से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो कोलकाता सिंपली आपको मैं ट्रैवल कर लेता हूँ। कोलकाता सिलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे ऑप्शन आया कोलकाता इंडिया CCU, सिलेक्ट कर लेने के बाद आपका सिंपली जहाँ पे जाना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। न्यू, मैं न्यू दिल्ली पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अब आएगा आपको डेट, कौन से डेट में जाना है। सिंपली यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोड नंबर नहीं, ये नहीं है, ये बेसिकली प्राइस है। तो देखिए 1 तारीख के अगर आप कोलकाता से दिल्ली जाना चाहते हैं बाई फ्लाइट, तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख बहुत अवेलेबल है। सिंपली देखिए कौन सा रेट कम है, देखिए 7 तारीख सबसे कम दिखा रहा है। तो अगर आपको 7 तारीख या फिर आप कोई डिक्स फिक कर रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्राइस। तो मैं अपना प्राइस चूज़ कर लेता हूँ। 7 तारीख को मुझे ट्रैवल करना है, मुझे प्राइस कितना लगेगा, 2930 रुपीज़। मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो 7 नंबर यहाँ पर डेट चूज़ हो गया। और इस जो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन आ रहा है राउंड ट्रिप वन वे वाली, इसके बारे में बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका राउंड वन हुए हैं, मतलब आप कोलकाता से दिल्ली जस्ट जाना चाहते हैं, कहीं से भी कहीं जस्ट जाना चाहते हैं, आने का बाद में सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जस्ट जाना चाहते हैं उस हिसाब से आप वन वे का चूज करिए। अगर राउंड ट्रिप है तो राउंड ट्रिप, अगर मान लीजिए आप कोलकाता से दिल्ली जाना चाहते हैं, फिर दिल्ली में 2 3 4 दिन घूमने के बाद फिर दिल्ली से कोलकाता आना चाहते हैं, आपको फ्लाइट पहले से बुक हुआ रहे ऐसे ही आप चाहते हैं, तो उस हिसाब से राउंड ट्रिप कर सकते हैं। मल्टी सिटी अगर कोई बिजनेसमैन है उस हिसाब से मल्टी सिटी बुक कर सकते हैं। तो डेट होने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पैसेंजर्स, आप कितने पैसेंजर्स को ट्रैवल करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कौन कितने पैसेंजर एक साथ नौ जब तक में जा सकते हैं मेनली, और चिल्ड्रेन कितने चिल्ड्रेन, इन्फेंट है अंडर 2 ईयर्स ऑन ट्रैवल अपडेट चूज कर सकते हैं।
और इसमें आ रहा है आपका इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी बिजनेस। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका अलग ट्रेन सजेस्ट किया, मतलब सॉरी फ्लाइट सजेस्ट किया जाएगा। और आपका इकोनॉमी है, इकोनॉमी नॉर्मल जो स्टैंडर्ड होता है इकोनॉमी, आप इकोनॉमी चूज करिए। अगर आप बेसिक चाहना तो इकोनॉमी विंडो सीट मिलेगा, मिलता है बेसिकली, तो वहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली इकोनॉमी चूज करने के बाद डन कर लीजिएगा। डन करने के बाद सिंपली आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद अब इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा, ठीक है। पेज ओपन होने के बाद सॉरी इस तरह का पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद देखिए आपका जो आपने सात पर चूज किया था उसे अब सबका सिलेक्ट पहले से ही हुआ रहेगा, और यहाँ पे येलो कलर का हाईलाइट भी रहेगा। तो अब से आप देख सकते हैं कि आपको प्राइस रहेगा, और यहाँ पे आपको चूज करना है कौन से प्राइस में जाना है। तो आपको पहले से प्राइस चूज किया हुआ रहेगा। देखिए आपने भी ये जो प्राइस चूज किया था ये कौन से प्लेन कौन सी कंपनी ले जाएगा, आपको गो एयर कंपनी ले जाएगा। देखिए ये जो प्राइस है आपका प्राइस है, टाइम लगेगा 2 आवर 30 मिनट, 2.5 घंटे लगेगा। और सुबह 6 बजे आपको स्टेशन में ये प्लेन डिपार्ट होगा, और सुबह ही 8:30 बजे आप न्यू दिल्ली में लैंड भी कर जाएंगे प्लेन वो एयरपोर्ट पर। तो सिंपली अगर आप चाहते हैं कि मुझे 12 प्रॉब्लम हो रहा है सुबह, तो शाम तक या फिर 12 बजे मतलब 12 PM तक ट्रैवल कर लेंगे। 12 PM अगर आपका फायदा है तो उसमें हिसाब से लेफ्ट टाइप लेफ्ट साइड आ जाएगा। लेफ्ट साइड आने के बाद देखिए बिफोर 6 AM अगर आप ट्रैवल करना चाहते तो 15,000 इतना लगेगा, बहुत ही ज़्यादा है। सुबह 6 बजे से जो 12 PM तक ट्रैवल करेंगे, उसके अगर बीच में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इतना प्राइस लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 12 से शाम तक इतना प्राइस, इतना प्राइस लगेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से आप फिर दोबारा लिस्ट दिखाएगा। और यहाँ पे कुछ नाम है कि सेम टाइम में सेम जगह में अन्य अन्य कंपनी ले जा रहे हैं बट डिफरेंट प्राइस में, ठीक है। तो मेकमाईट्रिप पे कर देखिए आपको सबसे सस्ता वाला टिकट पहले दिखाता है, तो गो एयर से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपली सारा चीज़ इसमें हुआ हुआ है, फिर तो आपको बुक पे क्लिक कर देना। मुझे इससे फ्लाइट डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो फ्लाइट डिटेल देख सकते हैं कि कब छूटेगा, कहाँ से होएगा और कितना टाइम लगेगा, वो भी तो दिखा दिखाई तो यहाँ पे दे रहा है। तो इसमें फेयर डिटेल्स देख सकते हैं, कितना प्राइस फी सर्विसेज के इतना है। बैगेज डिटेल्स कितना, मैक्सिमम 15 kg पर कैंडिडेट लोड ले जा सकते हैं, ठीक है। केबिन में फ्लाइट के अंदर 7 kg, और फ्लाइट के जो बगैर बैकपैक होता है अंदर उसमें 15 kg तक लोड ले जा सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें। और बुक पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ धोखेबाजी का हो रहा है, पता नहीं कैसे। आप अगर मतलब ध्यान नहीं देंगे तो देखिए देखिए आपको जो प्राइस था वो पहले कम था, आप इसमें भी ज़्यादा हुआ, क्यों? क्योंकि कहाँ पे 249 रुपये ऐड हो गए हैं, क्यों? क्योंकि देखिए नीचे आने के बाद देखिए अगर आप बाई डिफॉल्ट ये ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ रहेगा कि आपका अगर इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस ले लेंगे, अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो उस हिसाब से आपकी इंश्योरेंस रहेगा। इंश्योरेंस का प्राइस 250 रुपीज़ समथिंग होगा, उस हिसाब से आप इंश्योरेंस क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं तो इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं चाहते हैं तो सिंपली नो पे कर दीजिएगा। और इस ऑप्शन पे भी बाई डिफॉल्ट अगर क्लिक किया हुआ रहेगा कि आपका 5 रुपये चैरिटी के लिए डोनेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो 5 रुपये क्लिक करिएगा। अगर आप नहीं चाहते तो सिंपली उसको अनटिक करिएगा। दोनों चीज़ें अनटिक हो गए, उनके बाद देखिए आपका ओरिजिनल जो प्राइस है उसमें आ गया है। और इसके नीचे देखिए कुछ प्राइस वगैरह है कि इस कोड का अगर अप्लाई करेंगे कि आपका 150 रुपये कैश मिलेगा इस टिप से, आपसे बैंक से के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं। और बेसिकली HDFC बैंक का जो कार्ड होता है उसमें ज़्यादा रहता है, अगर आप पेपर से यूज़ करेंगे तो 400 रुपये कैश पे मिल सकता है। पेपल एक अलग चीज़ है, वो उसके बारे में बात नहीं बताऊँगा। सिंपली अगर कोई भी ऑफर चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको ईमेल आईडी पे कहीं पर डालना पड़ेगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली आपको बाई उसमें क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, और सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे ना, आपको प्राइस दिखाएगा कितना ट्रैवल कर रहा है, कितने जन, असल आपका नाम डालना होगा। तो मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, लास्ट नेम, मेल या मेल फीमेल सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर डालने के बाद ये ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे चीज़ हैं, जो सैंडविच वगैरह, वेज सैंडविच, समोसा चाय, अगर वो सब चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐड कर दें तो आपका प्राइस में ₹1 ऐड हो जाएगा और आपको वो फ्लाइट में ही सर्व किया जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको अगर चाहते तो कर सकते हो, सिंपली मैं नहीं चाहता तो सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका फाइनल पेमेंट पेज में आ जाएंगे। पेमेंट पेज में आने के बाद ये जो ₹270 ऐड होगा ये आपको पे करना ही पड़ेगा, ये कन्वीनियंस फी होता है, ठीक है। ये आपको फर टिकट में ₹270 पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। तो आपका फाइनल प्राइस हो गया ₹3,200, ठीक है। तो इसमें आने के बाद देखिए आपका बाकी सारा चीज़ हो गया, फिर जस्ट आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने का पेपल से, गिफ्ट कार्ड से, मोबाइल, अगर पेपल, मैंने बताया था कि पेपल में अगर पेमेंट करना है तो ₹400 कैश से मिल सकता है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो सिंपली आपको करके कंटिन्यू कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक कर, मान लीजिए नेट बैंकिंग करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको पेमेंट, मैं अभी बुक नहीं करूँगा, पेमेंट आपसे में जाने के बाद, तो मेक पेमेंट पे करने के बाद आपका पेमेंट कर, अगर आपका मान लीजिए पेमेंट होगा, मैंने आपको बताया था कि टिकट कहाँ मिलेगा, तो अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो ईजी होगा, तो आपने तो पहले से अकाउंट बना रखा है, ठीक है। तो सिंपली आपको बैक आ जाना है, मेक माई बैक, हाँ बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए ये अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, आ गया, हाँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ रहा है माय अकाउंट, माय अकाउंट में जाने के बाद देखिए, ठीक है, आपके अकाउंट में जाने के बाद देखिए कुछ डिटेल्स मिल जा रहा है। हाँ, माय अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करेंगे और बहुत सारा ऑप्शन आएगा, माई ट्रिप प्रिंट ई टिकट, हाँ यहाँ पे इस ऑप्शन में जाकर आपका टिकट प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका बुकिंग कैंसिल करना चाहते हैं वैसा वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप कैंसिल कर सकते हो और उस प्रिंट को, टिकट को प्रिंट करके वो यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो गया है, बट आपका सारा चीज़ डिटेल में समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है, और सामने जो बेल का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, वी सी यू इन द नेक्स्ट वन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।